हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गुड। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल अरबी की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे अरबी ले लिया और उसके ऊपर नमक डाल के मैंने उसको अच्छे से कर लिया मिक्स और उसको धो लिया। और फिर धोने के बाद पानी निकाल लिया और फिर मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल को, मैंने उतनी देर में गर्म करने चढ़ा दिया था। और फिर हम कर लेंगे अपनी अरबी को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। उतनी देर में मैंने जार लिया और जार में डाल दी मैंने टमाटर और खूब सारा धनिया पत्ती। और फिर मैंने इसको कर लिया ग्राइंड और ग्राइंड करते सार फिर मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूट के रख लिया और प्याज़ों को मैंने घिया कस कर लिया। और गिरी हमारी अरबी हो गई गोल्डन ब्राउन होके फ्राई होके रेडी। और उसी कढ़ाई में मैंने लिया थोड़ा सा जीरा और हिंग का तड़का मारा, फिर डाल दिया अपने प्याज और उसको अच्छे से भुनने के लिए मैंने रख दिया। आप चाहें तो सिम और तेज़ गैस कर सकते हैं। मैंने दोनों बीच में सिम का भी तेज़ गैस किया था और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया। फिर डाल दिया मैंने अपना अदरक और लहसुन की जो मैंने कूट के पेस्ट बना ली थी उसको, और फिर मैंने इसको अच्छे से भुन लिया। और जैसे ये थोड़ा सा भुन गया फिर मैंने लिया थोड़ा सा पानी और पानी डाल के मैंने इसको सिम गैस पे थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। उतनी देर में मैंने दही लिया और दही में मैंने डाला थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा मैंने डाल दिया सूखा धनिया और देखी मिर्च अच्छे से ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से हिला लिया, अच्छे से मिक्स करा और फिर मैंने कढ़ाई को चेंज कर लिया था क्योंकि वो अच्छे से बबल्स आ रहे थे और मेरे हाथ पे लग रहे थे। तो मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली थी और फिर उन्हीं प्याज लहसुन की पेस्ट में मैंने डाल दिया ये दही। बिल्कुल सिम गैस पे डालिएगा वरना आपका दही फट भी सकता है। आप चाहे तो गैस को ऑफ़ भी कर सकते हो उतनी देर। और फिर मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और जो फिर मैंने इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भुना और फिर जो मैंने टमाटर और धनिया पत्ते की पेस्ट बनाई थी उसको मैंने डाला और अच्छे से इसको भुना। और जैसी वो भुन चुकी थी फिर मैंने डाल दी अपनी अरबी और फिर डाला मैंने पानी। पानी हम थोड़ा नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे और ना ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे पानी ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। आप ऐसे बना के देखिए आपको बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल अरबी बनेगी। तो इसको मैंने रख दिया सिम गैस पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए और बाद में हो गई हमारी ढाबा स्टाइल अरबी तैयार। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर।